Guys, welcome guys. Day 7 of our tour. Mashallah, going good. हम लोग फिर पाटाकुंड नारायण आए हैं और आज हम जा रहे हैं जी सरसोमलू. सो ये हमारी जीप है. हम नारायण पहुंच चुके हैं. हमने गाड़ी पार्क कर ली है यहाँ पे. पार्किंग के कुछ ज़्यादा पैसे हैं पर अच्छी पार्किंग मिल गई है. गेटेड पार्किंग है और ये नारायण वैली मेरे पीछे. तो हम इस जीप में जाएंगे अब नारायण सरसोमलू. आप देख सकते हैं एल्टीट्यूड है 1780. अब सी लेवल मलका है पर्वत. वाह, तो 1000 के करीब जीप्स हैं जो यहाँ पे चलती हैं. पैदल आ रहे हैं ऊपर से. कितनी देर और गए? नहीं गए. अच्छा, तो किसी ने प्लान बनाया चलते हैं साथ पैदल ऊपर? इनकी उम्र 65 साल है, इनकी 50 है, मेरी 55 सर. अरे यार, वी लोग पे डालने हैं, ऐसा ना करें यार. आप इसके ऊपर बिल्कुल हमारा फीडबैक दें. 55 एक तो ये मैं फीडबैक देना चाहूँगा कि स्पेशली हम लोग मरी में भी जाते हैं और कश्मीर में भी जाते हैं, लेकिन जो ताकि आराम से थोड़े व्यू के साथ यहाँ आ जाए. थोड़ा सा टेक लगा लें. आराम से. हाय, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. टेक ही लगाने का सबसे ज्यादा मजा आ रहा है. मेरा नाम जी रमजान शेख है और हम गुजरावाला से. गुजरावाला माशाल्लाह, पहलवानों का शहर. हम टीसीएस के एक्स-टीसीएस के 96-97 से जो है वो हमारा एक बैच है और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 37 के करीब लोग हैं माशाल्लाह. उसमें से 11 दोस्तों ने ये ट्रिप प्लान किया था और उसमें से माशाल्लाह बाकी जो सैफल मलूक से जीप के ऊपर वापस आ गए. हम 3 दोस्त जो हैं वो जीप सैफल मलूक से अल्टरनेट रास्ते से हम वापस यहाँ तक नारायण में पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 आवर्स में हम यहाँ तक पहुँचे हैं और बड़ा मज़ा आया और एक्सपीरियंस हमारा ये कहता है कि वंस इन अ लाइफ आपको ये एडवेंचर करना चाहिए. अब मेरा तो थर्ड चक्कर है. मेरे ख्याल में इनको एक ना वॉकिंग ट्रैक अलग से बनाना चाहिए. हाँ, वो है नहीं. वो नहीं है. हमने खुद वहाँ से जो है ना वो ढूंढ के रास्ते जो है ना वो निकाले. हम रोड के ऊपर नहीं आए. एक पहाड़ से दूसरे से तीसरे तो मिट्टी भी बहुत है ना. हाँ, वो मिट्टी है, इसीलिए हम अल्टरनेट रास्ते ढूंढते रहे हैं. कोई पगडंडी हमें नजर आई है तो उसको हमने पकड़ा है, कोई लोकल मिला है तो उससे हमने. जिस तरह वो ट्रैक 5 इस्लामाबाद में बना हुआ है, ऐसा अगर ट्रैक बन जाए तो लोग क्यों ना जाएं? बिल्कुल. देखिए ना, आप इनके 4,000, 5,000, 6,000 ये मांगते हैं. अब उससे बेहतर यही है कि अगर हम जैसे बूढ़े जा सकते हैं. आप कहाँ बूढ़े हैं यार? मतलब मैं 55 का हूँ. बूढ़े कहाँ हैं? तो ये है कि ये हमें बड़ा मजा आया. आज रात को हम बोन फायर करेंगे इंशाल्लाह. कहाँ पे रुके हुए? हम बटाकुंडी. कौन से होटल में रुके हैं? होटल का नाम अल-मदीना. मैं रीगल इन में रुका हुआ. अच्छा, माशाल्लाह, बराबर में ही आपके. कल इंशाल्लाह वापसी होगी. हमारी भी कल वापसी इंशाल्लाह. रमजान शेख के नाम पे मेरा व्लॉग चैनल है, उसको जरा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह रमजान भाई, थैंक यू. आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू, बात करने का शुक्रिया. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. हम निकल चुके हैं सैफुल मलूक के लिए और ये हमारी जीप के अंदरूनी मनाज़र. CC गाड़ी है, 74 मॉडल गाड़ी में हम जा रहे हैं जी सैफुल मलूक पर और ये नज़ारे ऊपर. हाय हाय, ये नारा पहली और ये रेस हो रही है. मेरी गाड़ी की बचत हो गई. हाय हाय, ये ट्विस्ट और टर्न है. ये पहला टर्न बहुत स्टीप. ₹20 एंट्री फी है पर पर्सन और ये हम आगे हैं झील सैफुल मलूक फाइनली. सो गाइस, हम आ गए हैं झील सैफुल मलूक. मेरी बेटी हॉर्स पे बैठी हुई है और ये हमारी जीप ऊपर खड़ी हुई है वहाँ पे.
ऊपर स्नो है, वहाँ से भी आप वहाँ भी खेल सकते हैं। और ये सारा व्यू है माशाल्लाह, क्या खूबसूरत व्यू है। पब्लिक बहुत है, जीप आपको जीप लेती है 4500 रुपीस, आपको ऊपर लेके जाती है, एक घंटा रुकती है और फिर जिसमें आप घूम फिर सकते हैं और फिर आप वापस नीचे जा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं नीचे, जैसे कि बोट राइड है, बच्चों के लिए थोड़े झूले हैं सब वहाँ पे, और खाने का भी है। मौसम, अब मैं तो शर्ट पहन के आया हूँ बट जैकेट ज़रूरी है बिकॉज किसी वक्त भी बारिश हो सकती है यहाँ पे। हवा बड़ी प्यारी ठंडी सी हवा है। ये गाड़ियाँ भी हैं, ये झूले भी हैं। धूप में बारिश हो रही है। तो यहाँ से ये झील का पानी जा रहा है नीचे नाराज की तरफ, तो हमारे साथ झील जल्दी भी आ रही थी। सो गाइस हम जीप सैफ उल मुल्क पहुँच चुके हैं, यहाँ जीप के थ्रू आए हैं। जीप वाले आपको बोलेंगे एक घंटा है मगर आप दो घंटे आराम से इंजॉय कर सकते हैं, ये ऑफिशियल है। दूसरा ये कि यहाँ पे खाने पीने की सब अशियाँ मौजूद है, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ, झील पे मौसम एकदम चेंज हो जाता है, कभी गर्मी है कभी सर्दी कभी बारिश है। हम आए थे तब धूप थी, अब हल्की हल्की बारिश हो रही है। बच्चों की एक्टिविटीज़ भी हैं, बोट राइड भी है और अब यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक भी है। सो यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं। सो आप यहाँ आएँ, ज़रूर इंजॉय करें मगर सफाई का ख्याल रखें, कचरा मत फेंकें। झील बहुत खूबसूरत है, सराउंडिंग बहुत खूबसूरत है, कचरा मत फेंकें। यहाँ जगह जगह आप लोगों ने लोग आते हैं कचरा फेंक के चले आते हैं, डस्टबिन लगे हुए हैं, सफाई का ख्याल रख रहे हैं दूसरे लोग, तो आपको भी पर्सनली ख्याल रख रहे हैं इस चीज़ का। मिलते हैं नारान जाके आपसे। मेरे तमाम दोस्त जो सैफुल मुल्क घूमने आए, यहाँ से उतरना और इन्जॉय करना बहुत मज़ा आता है, पर वापसी में चढ़ना उतना ही मुश्किल है भाई। सो अपने खा पी के आए और हिम्मत से आहिस्ते आहिस्ते ऊपर चढ़े। जो लोग चढ़ नहीं सकते ना वो ऐसे आते हैं घोड़ा पे ऊपर चढ़ते हैं। ये जीप तक जाने के लिए घोड़े इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चों के लिए एक और एक्टिविटी है, ये बर्फ में स्लाइड बनाई हुई है। तो ये लेदर के बना के तो यहाँ तक है ये। बेटा पकड़ना उसको, पाँव मत, पैर मत, पैर मत। गाइस वी आर बैक। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, जब आप जीप साइड पे करें तो काइंडली मास्क पहन लें, बीच में बहुत मिट्टी थी और इस मिट्टी की वजह से ना बहुत आपकी हालत ख़राब हो जाती है। सो मास्क लेके आए अपने साथ। सो आज का ये व्लॉग जीप सैफ उल मुल्क के नाम, आई होप आपको मज़ा आया होगा जीप सैफ उल मुल्क पे। रास्ता बड़ा ख़तरनाक था, हमने बड़ा इन्जॉय किया, कोशिश की है गाड़ी वाले से बात करें कि वहाँ आपके आप दो घंटे की बजाय तीन घंटे दें, पैसे ज़्यादा दे दें, इन्जॉय करें, वहाँ जाके बैठें सुकून से इन्जॉय करें, देखने वाली जगह है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।